हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो इस पर हम बात करने वाले हैं कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट जब हम करते हैं तब हमें कौन सा लैपटॉप परचेस करना चाहिए। तो देखो, ऐसा कोई भी लैपटॉप मैं बता नहीं सकता कि इसी लैपटॉप को परचेस कीजिए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उस पॉइंट से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कौन सा लैपटॉप परचेस करना चाहिए। तो ठीक है, तो मैं आपको एक एक फीचर्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैम की। तो देखो, आपके पास मिनिमम 8 GB रैम तो भी होनी चाहिए। अगर आपके पास 8 GB रैम है तो आपका जो भी ऐप्स रहेगा वो इजीली क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जब हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं तब हमें सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होता है, वो होता है एंड्रॉइड स्टूडियो। अगर आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इजीली चल पाएगा तो आप इजीली आपका एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकोगे। तो मेन बात यही आ जाती है कि एंड्रॉइड स्टूडियो चलाने में कितने कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया, आपके पास 8 GB रैम होना चाहिए। अगर आपके पास 8 GB रैम है तो आप इजीली एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हो। बट अगर आपके पास 4 GB रैम है तब भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो को रन कर सकते हो, बट उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी। जैसे आपका जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा एंड्रॉइड स्टूडियो वो थोड़ा लैग करेगा, या फिर जो भी इम्यूलेटर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इम्यूलेटर समझा देता हूँ कि इम्यूलेटर होता क्या है। तो देखो, जब हम अपने ऐप्स को क्रिएट करते हैं तब हमें उसको रन भी करना होता है। तो हमें रन करने के लिए एक डिवाइस होना चाहिए। तो डिवाइस में हमें रन करने के लिए एक इम्यूलेटर की ज़रूरत होती है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो में ऑलरेडी इम्यूलेटर का ऑप्शन रहता है, बट अगर आपके पास 4 GB रैम है तो आप इम्यूलेटर को ऑन करोगे वैसा ही आपका जो भी इम्यूलेटर रहेगा वो क्रैश हो जाएगा, और जो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो रहेगा वो थोड़ा लैग होगा। इसलिए मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आपके पास मिनिमम 8 GB रैम तो भी होनी चाहिए अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ करते हो तो। अभी हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, प्रोसेसर की। तो देखो, प्रोसेसर आपके पास कोई भी इतना डिपेंड नहीं होता कि प्रोसेसर आपको इतना ही चाहिए। अगर आपके पास i3 प्रोसेसर है तब भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास i5 प्रोसेसर है तब भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज़ कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं SSD की। तो देखो भाई, अगर SSD रहा तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि SSD से जो भी आपका एंड्रॉइड स्टूडियो रहेगा वो थोड़ा सॉफ्ट चलेगा एज कम्पेयर टू तो जिसमें SSD नहीं है उससे। अभी हम बात करते हैं ग्राफिक्स की। तो देखो, ग्राफिक्स रहना सबसे अच्छी बात रहती है, क्योंकि उसमें हमें क्या होता है, .xml फाइल क्रिएट करनी होती है। तो अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है तो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो अगेन स्मूथ चलेगा, ओके, एज कम्पेयर टू द जिसमें नहीं है उसमें। तो मिनिमम तो भी आपके पास 2 GB ग्राफिक्स रहा चलेगा, बट अगर सपोज ग्राफिक्स नहीं है तब भी आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इजीली चल पाएगा। अभी हम बात करते हैं जनरेशन की। तो देखो, जनरेशन कोई इतना मैटर नहीं करता, बट मैं रिकमेंडेड करूंगा जब भी आप कोई लैपटॉप परचेस करोगे तब आप न्यू जनरेशन का ही लैपटॉप परचेस कीजिए, क्योंकि न्यू जनरेशन सबसे बेस्ट होता है। जैसे अभी मार्केट में 10th जनरेशन शुरू है, ठीक है, तो आपको 10th जनरेशन का ही आपको लैपटॉप परचेस करना है। तो आई होप आपको समझ में होगा कि किस किस फीचर्स की जरूरत होती है हमें एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करने के लिए। तो सबसे मेन मैटर आता है, हमारे पास रैम होना चाहिए, क्योंकि रैम ही सबसे मैटर करता है एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करने के लिए। तो आई होप गाइस, जो भी मैंने आपको समझाया एंड्रॉइड डेवलपमेंट करने के लिए आपको कौन सा लैपटॉप परचेस करना चाहिए, या फिर लैपटॉप में ऐसे कौन से फीचर्स होने चाहिए कि आप इजीली एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।